Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Rajesh Chaurasia and today we read quadratic equation. Okay, so let us start now. Quadratic equation हमें पढ़ना है द्विघात समीकरण. अब देखिए इसका general equation क्या होता है, मतलब general equation of quadratic equation क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो. इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यही होता है जनरल इक्वेशन. ठीक, अब देखिए यहां पर एक्स दो वैल्यू आएंगी, मान लीजिए एक आएगा अल्फा तो दूसरा आएगा बीटा. ठीक है, यहां पर ए बी सी क्या है, ये रियल नंबर है, ऑल आर रियल नंबर. और यहां पर ए जो है ना कभी जीरो नहीं होगा, ये कंडीशन होती है. जैसे मान लीजिए अगर हम ए को जीरो रख दिए इसमें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए मिल जाएगा क्या, बी एक्स प्लस सी. तो हम कैसे कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कभी नहीं कह सकते. ये क्या है, ये तो रैखिक हो गया ना, लीनियर इक्वेशन हो गया ये. ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं क्या, द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, ये कंडीशन होती है. ठीक है, अब देखिए जैसे हमें रूट्स निकालना होगा, अब रूट्स हम कैसे निकालेंगे ये भी देखिए. इस पे एक एग्जांपल देखिए, पहले एग्जांपल क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इसका हमें रूट फाइंड करना है. ठीक है, रूट कैसे निकालते हैं, ये जो सिक्स दिया हुआ है सिक्स को तोड़िए दो जगह, हमने तोड़ दिया क्या दो और तीन में. ठीक है, और देख रहे हैं कि दो और तीन का योग पांच आ रहा है. ठीक है, तो इसको हम फिर अब कर लेंगे कैसे, इसको लिखेंगे टू प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो. अब इसको ओपन करिए, टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो. यहां से एक्स कॉमन ले लीजिए, x प्लस टू, और इसमें से थ्री कम ले लीजिए, x प्लस टू. ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, x प्लस टू, और फिर क्या हो जाएगा, x प्लस थ्री. यहां से x की दो वैल्यू आ गई, क्या क्या आया है, एक आया है माइनस टू और एक आया है माइनस थ्री. यही दिए गए इक्वेशन के रूट्स हैं. और देखिए कोई भी अगर किसी इक्वेशन का रूट्स है तो वह उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. कहने का मतलब, अब यहां पर हम लोग प्रूफ कर ले, सेटिस्फैक्शन चेक कर रहे हैं. ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए समीकरण क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स दिया हुआ है. एक्स की वैल्यू एक आया है माइनस दो और एक आया है माइनस तीन, तो हम माइनस टू से सेटिस्फाई कराना चाह रहे हैं. एक्स इक्वल टू माइनस टू हम यूज कर रहे हैं, तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस टू का स्क्वायर प्लस फाइव मल्टीप्लाइड बाई माइनस टू प्लस सिक्स. ठीक है, ये क्या आ जाएगा चार, और ये क्या आ जाएगा दस प्लस सिक्स, तो क्या आ गया जीरो, जो कि यहाँ जीरो दिया हुआ है. हमने लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस लेके चला है और आरएचएस आ गया, इसका मतलब ये जो रूट्स हम निकाले हैं वो सही है. ठीक है, एक तरीका तो ये है. एक और क्वेश्चन इस पे देख लीजिए, अगर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स हो तब क्या करेंगे. ठीक है, अब देखिए सिक्स को यहां ऐसे फैक्टर करना होगा हमें, वन और सिक्स में. ठीक है, और हमें बीच में क्या लाना है, माइनस फाइव, तो एक को बड़े कर दीजिए, बड़े वाले को माइनस कर दीजिए, छोटे वाले को प्लस कर दीजिए, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, माइनस फाइव आ जाएगा, यानी जो बीच में दिया हुआ है वो आ रहा है. अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो. ये बात समझ में आ गई, अब इसको फैक्टर कर लीजिए, क्या आएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो. एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वन हो जाएगा, माइनस सिक्स कॉमन लेंगे एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो. यहाँ से क्या आ गया, एक्स प्लस वन आ गया और x माइनस सिक्स,
तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आ गया, एक आ गया माइनस वन और एक आ गया प्लस सिक्स, यही इसके रूट्स हो गए। ठीक है, अब देखिए इसको निकालने के लिए ना एक और है जिसको बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड। क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य नियम। इन्होंने क्या बताया था कि रूट्स जब भी निकालेंगे किसी इक्वेशन का, चलिए मान लीजिए हमने यही ले लिया, ठीक है, हमने क्या लिया इसका, इनका नियम लिख लीजिए पहले, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटे टू ए। अब देखिए एक बार प्लस लेकर चलेंगे तो एक रूट आ गया, एक बार माइनस लेकर चलेंगे तो दूसरा आ जाएगा। ठीक है, तो श्रीधराचार्य विधि यही है। ठीक है, आप ऐसे चाहें तो ऐसे निकालिए, श्रीधराचार्य विधि भी लगा सकते हैं। अब देखिए यही इक्वेशन को हम सेटिस्फाई करा रहे हैं इससे निकाल करके। अब देखिए यहां पर ए बी सी की वैल्यू बताइए, पहली बात तो ए इक्वल टू क्या है, वन, बी इक्वल टू माइनस फाइव और सी इक्वल टू माइनस सिक्स। ये मैं कहां से लिखा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है। हमने इन्हीं दोनों की तुलना कर दिया तो ये तो आ गया वैल्यू। अब चलिए एक्स इक्वल टू सी में सेटिस्फाई कराइए, माइनस बी यानी बी के साथ खुद माइनस दिए प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर, माइनस फाइव का स्क्वायर करेंगे 25, फिर माइनस फोर, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू क्या है माइनस सिक्स बटे टू ए, टू इंटू वन। अब ये क्या आ जाएगा, 5 प्लस माइनस, ये क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 चौक 24 हो गया। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 49 बटे टू, ये क्या आ जाएगा, 5 प्लस माइनस 7 बाई टू आ गया। अब देखिए हमने क्या कहा है कि एक बार प्लस साइन लीजिए, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, तो मान लीजिए x1 आ गया क्या, 5 प्लस 7 बाई टू क्या आ जाएगा, 12 बटे दो क्या आ जाएगा, 6। और x2 दूसरा क्या आ जाएगा, x1 x2 ना लिख के इसको हम अल्फा बीटा लिख देते हैं ना, क्योंकि इसके पहले हम बताए हैं कि अल्फा बीटा लिया जाएगा। ठीक, ये मान लीजिए पहला हो गया अल्फा, दूसरा बीटा क्या आ जाएगा, 5 माइनस 7 बाई टू ठीक आ जाएगा, माइनस 2 बाई टू यानी माइनस 1। एक रूट हो गया 6, दूसरा हो गया माइनस 1। अब देखिए ये श्रीधराचार्य मेथड से निकाले हैं और ये जनरल मेथड है, दोनों बराबर है, समझ में आ रही है बात। आप चाहें तो इस तरीके से निकालिए या उस तरीके से निकालिए, हमें रूट्स निकालना है, चाहे आप जैसे निकालिए रूट्स निकालना ही है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए जैसे अगर आपको दिया है क्या कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 900, इसका रूट्स निकालना है, कैसे निकालेंगे, दिमाग काम नहीं कर रहा, कैसे करेगा, थोड़ा सा चेंज करेंगे तब करेगा। देखिए कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 900 इक्वल टू जीरो हो गया, ये इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और ये 900 को क्या लिख सकते हैं, 30 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, और हमें फार्मूला पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, वही प्रयोग इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 30 और दूसरा एक्स माइनस 30, यानी यहाँ एक्स की दो वैल्यू आ गई क्या, एक आ गया प्लस 30 और एक आ गया माइनस 30, यही दो रूट्स आ गए इसके, ये सब करने की जरूरत ही नहीं, श्रीधराचार्य विधि से निकालेंगे तब भी निकालेंगे। यहाँ पर b की वैल्यू 0 दी हुई है और हमने शुरू में आपको कंडीशन क्या बताया है, देखिए कि a 0 नहीं हो सकता, मतलब ये देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है a 0 नहीं हो सकता, बाकी b भी 0 हो सकता है, ठीक है, c भी 0 हो सकता है।
चलिए अगला देखिए। इस पे पहले क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, फिर इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं, ठीक है। चलिए, ये क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 154 इक्वल टू जीरो, ठीक है। और इसमें क्या निकालना है? इसके मूल निकालना है, मतलब रूट्स निकालना है। तो कैसे तोड़ेंगे? देखिए 154 है, इसको पहले करिए फैक्टर, क्या हो जाएगा ये? ठीक है, अब इसको हम कर दें क्या, 7 × 2 = 14, यानी सीधे लिख सकते हैं हम, यहां लिख देता हूं कि 154 को हम फैक्टर किस हिसाब से कर दें, 14 × 11 कर देते हैं, ठीक है। और क्या करना है कि हमें लाना है बीच में माइनस, तो बड़े वाले को माइनस कर दीजिए, छोटे वाले को प्लस कर दीजिए, ठीक है। अब इन दोनों का अगर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 154 आ जाएगा, और जब जोड़ देंगे तो माइनस 3 आ जाएगा, बस हो गया आपका। अब इसको क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 11y माइनस 154 इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहां से y कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा ये, y माइनस 14, यहां से 11 ले लीजिए, y माइनस 14 इक्वल टू जीरो, फिर क्या आ जाएगा, y माइनस 14 निकलेगा और ये आ जाएगा y प्लस 11। तो यहां से y की वैल्यू 2 आ गई, एक आ गया क्या प्लस 14 और एक आ गया माइनस 11, ये जो दो रूट निकले यहां से। अब देखिए कहाँ है प्लस 14 माइनस 11, ऑप्शन नंबर सी सही, इतना ही करना है। एग्जाम में तो आप देखते ही तुरंत लगाएंगे इसको,